हमारे मन में बड़े दादू के लिए प्यार और सम्मान नहीं है, बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो जताने में असफल हुए हैं। लक्ष्मी सही कह रही है, शादी के कार्ड पे बड़े दादू का नाम नहीं था तो हमें नहीं जाना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़कर चले गए। हाँ, जब बच्चों को अपने माँ बाप से प्यार मिलना बंद हो जाता है तो वो प्यार बाहर अपने हम उम्र बच्चों में ढूंढने लगते हैं। उसी तरह जब माँ बाप को भी अपने बच्चों से प्यार और मान सम्मान नहीं मिलता तो वो लोग भी प्यार ढूंढने बाहर जाते ही है। हाँ, अभी सही कह रही है। बात सही होने से क्या होगा, अब हम क्या करें? करना क्या है मोटा भाई, आज से हम सब ये शपथ लेते हैं कि हम आदा का ख्याल रखेंगे, उन्हें इज्जत देंगे, उन्हें प्यार देंगे, ताकि ये सब उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन उनको ये रियलाइज करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, हम उन्हें एहसास कैसे दिलाएं कि मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, तुम लोग बास्केटबॉल खेल रहे हो? अरे वाह वाह, बाद में कीजिएगा बड़े ससुर जी, पहले उधर गोल कीजिए, आप हमारी टीम में हैं। ऐसे कैसे आपकी टीम में? नहीं नहीं, बड़े ससुर जी हमारी टीम में, आ जाइए यहाँ पे। अरे मैं मेरे नाजुक गले से मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकती, इसलिए बड़े ससुर जी को ये तय करने दीजिए कि वो किसकी तरफ है। लेकिन पहले ये बताओ कि अचानक ये बास्केटबॉल खेलने का आइडिया तुम लोगों को सूझा कैसे? अरे अचानक नहीं बड़े ससुर जी, हमें ससुर जी ने बताया कि क्रिकेट के बाद अगर आपको कोई खेल पसंद है तो वो है बास्केटबॉल। वो तो है, तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि आप मॉर्निंग वॉक से आएंगे, उसके बाद रोज आधा घंटा हम आपके साथ बास्केटबॉल खेलेंगे। वाह, बड़े ससुर जी चलिए अभी से हम बास्केटबॉल खेलते हैं। ससुर जी भी आ गए, आइए आइए, आप इनकी टीम में, बड़े ससुर जी आप हमारी टीम में। ठीक है, एक मिनट, बास्केटबॉल बाद में। हाँ। पहले अदा ये ड्रेस ट्राई करेंगे, उनको फिट होती है या नहीं। हाँ। अरे ये किस लिए? अरे हाइकिंग के लिए। आपको क्या लगता है कि हमें मालूम नहीं है कि आपको हाइकिंग का कितना शौक है? हाइकिंग का तो मजा ही कुछ और है अदा। हाँ। ये है। आप फटाफट ये कपड़े ट्राई कीजिए, फिर हम निकलते हैं हाइकिंग के लिए। हाँ। नहीं, नहीं, हाइकिंग बास्केटबॉल, हाइकिंग हाइकिंग। बड़े दादू, आज हम पूरे दिन बैठकर ये एक्शन मूवीज देखेंगे। कौन सी फिल्म है? अरे टॉम क्रूज की मूवीज है, ब्रूस विलिस की, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी है। अरे ये तो मेरी फेवरेट फिल्म है, चल चल। लेकिन तुम्हारे बोलने से पहले हम हाइकिंग ड्रेस खरीद चुके थे। अरे लेकिन मैं ये नई डीवीडीज लेके आया, उसका क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, हाइकिंग, एक्शन मूवीज, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। बड़े दादाजी को तय करने देते हैं कि उन्हें क्या करना है, अब समय तय कर लीजिए कि आपको कब क्या करना है। ठीक है ठीक है, मैं टाइम टेबल बना देता हूँ आज ही, क्योंकि कल से लागू होगा, लेकिन आज तो हम बास्केटबॉल से ही श्री गणेश करते हैं। चलिए चलिए, क्या बात है बड़े दादू, देखा बड़े दादू कितने खुश हैं। तेरा भी जवाब नहीं है लक्ष्मी। सिर्फ बड़े दादा ही क्यों, पूरा परिवार देखो। अरे मोहन, ये अचानक क्या हो गया पूरे घर को, सबका प्यार और अटेंशन मेरे प्रति अचानक क्यों बढ़ गया? बूढ़ा भाई, क्या है कि शादी के कार्ड में आपका नाम नहीं था ना, इसलिए सबने सोचा कि दूसरों ने टेंशन नहीं दिया तो क्या हुआ, अब परिवार वाले तो टेंशन दे ही सकते हैं ना। अच्छा, हालांकि ये सब मुझे अच्छा लग रहा है, कोई दिखावा नहीं कर रहा है, सब लोग सब कुछ दिल से कर रहे हैं। हाँ,
लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात कुछ और भी है, और वो बात क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं बता दूँ वेरे दादाजी, वो ये कि नीला बाबू ने आपकी और आपकी दोस्त के की बात सुनी। क्या सुना उसने? आप लोग जब ऊपर वाले रूम में गए थे ना, नीला बाबू भी आपके पीछे गई थी, उन्होंने सब सुन लिया आपकी बात। तुमने जवाब नहीं दिया। इस बात का जवाब? एक बार तुम अपने बेटे से। मेरी मेरे बेटे से बात हो चुकी है, उसने कहा कि आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अदा हम शादी करके ही रहेंगे। बहू लाने की उम्र हो गई है हमारी, और अब क्या सास लाएंगे? ये जो बड़े ससुर जी कर रहे हैं ना, उन सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। हमने आगे बढ़कर उन्हें प्यार और सम्मान दिया होता तो वो प्यार और सम्मान ढूंढने बाहर नहीं जाते। अब हम क्या करें? करना क्या है मोटा भाई? आज से हम सब ये शपथ लेते हैं कि हम अदा का ख्याल रखेंगे, उन्हें इज्जत देंगे, उन्हें प्यार देंगे। अरे कहां से कहां पहुंच गए सब लोग। हाँ तोतिया जा, जाके खेल। नीलम ने आधी बात सुनकर पूरे घर में गलतफहमी फैला दी। बुरी बात क्या है सुन? नटू, हमने एक फीचर फिल्म बनाई है और उसका जो मेन लीड है ना, उसका डबिंग बाकी है और फिल्म तो रिलीज पे है, पर बेचारे को गले का ऑपरेशन करवाना पड़ा तो वो अब डबिंग नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आवाज और वो मेन लीड की आवाज काफी हद तक मैच होती है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों ना हम नटू से ही डबिंग करवा ले। बोलो ना नटू। क्या बोलूं मैं? एक बार तुम अपने बेटे से। मेरी मेरे बेटे से बात हो चुकी है, उसने कहा कि माँ आप और आपकी पसंद, उसमें मुझे पूरा भरोसा है। मुझे देखे बगैर ही उसने हाँ कर दी? उसने कहा ना कि आपकी पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है। ये तुम तो जानती हो ना कि मेरे लिए ये पहली बार है। नटू, सबके जीवन में हर बात कभी ना कभी तो पहली बार होती है। ठीक है, एक बार मुझे अपने परिवार के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे बात करनी है ना कर लो, पर मुझे जवाब हमें ही चाहिए। ये नीलम बहू भी ना? अरे सिर्फ नीलम ही नहीं, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, सारे के सारे नमूने हैं। मैं अभी जाकर सबकी गलतफहमी दूर करता हूँ। रुक 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 रुक, अभी मत बता। हा? उनकी इस गलत फहमी को और बढ़ाते हैं। हाँ? मजा उठाते हैं। अब देख मैं कैसे उनके साथ गेम खेलता हूँ। हाँ? तू मेरा साथ। हाँ। आज तो सारी मेरी पसंद की डिशेस बनी है। और अदा ये सब हमारी भी पसंद है। अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ, ये लीजिए। अब मेरी बारी। के भाभी का मैसेज आया है, वो पूछ रही है कि बापूजी आप उन्हें भाभी क्यों कह रहे हैं? अब भाभी ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं इनके बीच में? क्या मैसेज है मोहन? वो पूछ रही है कि तारीख कौन सी तय की है। तारीख? मैं आप लोगों को बताने वाला था। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है बड़े ससुर जी, हमें सब पता है। केने आपको प्रपोज किया है, उसके बेटे को भी आप पसंद है, और आपने उससे कहा है कि आप हम सबसे डिस्कस करने के बाद जवाब देंगे। अरे नीलम, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए। अरे डफोड़, पहले बाल सफेद तो होने दे। मैं मुआवरा कह रही हूँ। ठीक है, अब तुम लोग जान ही गए हो तो मैं बता दूं कि एक का दिल तोड़ना नहीं चाहता, और इसीलिए मैं उसे जवाब हाँ मैं देने वाला। लेकिन अदा
जरूरत क्या है ये सब करने की, हम सब है ना। हाँ हम अपना प्यार जता नहीं पाए, लेकिन लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं आदा। मैंने कब कहा भरत कि तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते हो, और उसके इस प्रपोजल का तुम लोगों के प्यार के साथ क्या लेना देना है? बड़े ससुर जी, हम सब जानते हैं कि लेना देना है। हम सच में आपको वो सम्मान नहीं दे सके जो हमारे मन में आपके लिए है। काम का तुम लोग अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हो? मैंने कहा ना, उसके इस प्रपोजल का तुम लोगों के प्यार के साथ कोई लेना देना नहीं है। उससे मुझे जो मिलने वाला है ना, वो तुम लोग मुझे दे भी नहीं सकते हो। उसने मुझे अपनी नजर में उठने का मौका दिया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसे हाँ कहूंगा। देखिए, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। उन्होंने अगर किसी को अपना जीवन साथी चुना है तो उन्हें सेटल होने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। अरे लेकिन इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? भारत, लोग हमारे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करते थे। अरे हमने अपने लिए कभी परवाह नहीं की, तो फिर बड़े ससुर जी के लिए क्यों करें? हीरा, तू बात को समझ नहीं रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है भरत काका, क्योंकि आपके मन में जो है वो आप क्लियर नहीं बोल रहे। क्लियर बताइए ना, आपको लोगों की परवाह है या प्रॉपर्टी जाने का डर? हमें लोगों की कोई परवाह नहीं है किशन, और ना ही प्रॉपर्टी जाने का डर। डर तो सिर्फ इतना है कि अदा का दिल ना टूटे बुढ़ापे में। भरत ने पेपर में पढ़ा था ना कि एक औरत यूएसए से आई और एक आदमी की प्रॉपर्टी हत्या के वापस चली गई। हाँ, तो हम केक को पूरी तरह परख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कहीं उनका ऐसा इरादा तो नहीं। सासू माँ, बड़े दादू ने दुनिया देखी है, वो हमसे ज्यादा सुलझे हुए हैं। वो क्या ऐसे ही थोड़ी किसी केक के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देंगे। लक्ष्मी एकदम सही बोल रही है, और वैसे भी वो उनके बचपन की दोस्त है, सालों पुरानी। ऐसा नहीं कि चार दिन पहले इंटरनेट पे मिले हो। अरे देख किशन, वो लोग कभी भी मिले हो, लेकिन अगर अदा का दिल टूटा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हम उन्हें सेटल होने के लिए मना करेंगे ना तो भी उनका दिल टूट जाएगा। सासू माँ, सारी जिंदगी वो हमारे लिए जिए, हमारी खुशी के लिए उन्होंने हमेशा सही फैसले लिए। उम्र के इस पड़ाव में अगर वो अपने लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका स्वागत करें, और फिर हमें तो खुश होना चाहिए कि बड़े दादा। कुछ भी हो मैं अदा की शादी के खिलाफ। बस मैं उनके साथ हूँ। मैं भी। कैसी बातें कर रही है? एक मिनट, हम वोटिंग करते हैं। जो अदा की शादी के पक्ष में हो वो अपना बाया हाथ उठाए, और जो खिलाफ हो वो अपना दाया हाथ उठाए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, देखिए, बड़े दादू की शादी के जो पक्ष में है सिर्फ वही हाथ उठाए, और बाकी हाथ मत उठाए। आखिर मैं भी तो उसी फैमिली का हिस्सा हूँ। हमारा कोई ना कोई गेम आपस में हमेशा चलता रहता है। इस बार ये गेम ज्यादा सीरियस और एंटरटेनिंग हो गया है। एंटरटेनिंग? तू नटू, मैं भी इस गेम में शामिल होंगी। कब मुझे ले जा रहे हो अपने पूरे परिवार को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने के लिए? लेकिन वो तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। आई विल एंजॉय दैट। और बाद में तो हम लोग बांडा फोड़ने ही वाले हैं ना, उससे पहले जरा। अरे तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। कहा ना, मुझे बहुत मजा आएगा। अब बताओ ना नटू, कब मिलवा रहे हो मुझे अपने होने वाले बच्चों और पोते पोतियों से? बताओ ना।
आज शाम को। सच? ध्यान रखना, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ज्यादा सीरियसली मत लेना। भरत तो ये कह सकता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के फिराक में हो। हाँ हाँ, मुझे पता है ये लोग मेरे साथ झगड़ा करेंगे, पर मैं तो झगड़ा भी एंजॉय करने वाली हूँ। तुम चिंता मत करना, चलो चलो चलो। रुक जाइए, एक भी कदम आगे मत बढ़ाइएगा, उधर ही रुक जाइए। लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है, आज तो मैं गई। क्या हो रहा है ये सब? आप सबसे बड़ी, लेकिन आप इस घर की होने वाली दुल्हन हो, इसलिए हम आपका स्वागत चुनरी ओढ़ाकर कर रहे हैं। हमारे इस परिवार में परिवार के सदस्य के तौर पर हम आपका स्वागत करते हैं। अरे नीलम, ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़े ससुर जी, आप बड़े बोले हैं, आपको क्या लगता है हमें कुछ पता ही नहीं है? अरे आप दोनों के बारे में हमें सब पता है। पहली बार जब सुना तो बहुत अटपटा लगा, और सच पूछे तो आपका विरोध करने का भी ठान लिया था हमने। हाँ, लेकिन हमारी आंखें खोली लक्ष्मी ने। अदा, सारी उम्र आप हमारे लिए जीते रहे, अब आप सेटल होना चाहते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, और जिसे आपने अपना जीवन साथी बनाने के बारे में सोचा है उसे जज करने का ना तो हमें अधिकार है और ना ही हमारी काबिलियत। तो होने वाली काकी जी, एक मिनट। मैं तो यहाँ झगड़ा एंजॉय करने आई थी, पर यहाँ तो मामला पूरा उल्टा है। लेकिन सच में जो भी है ना, बड़ा प्यारा है, पर कंफ्यूजन और बढ़ जाए इससे पहले हमें इन सबको सच्चाई बता देनी चाहिए। कैसी सच्चाई? यही कि के और मेरे बीच में तुम लोग जो समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये नीलम ने पूरी बात नहीं सुनी, उसने समझा कुछ और तुम लोगों को समझाया कुछ। दरअसल उस दिन हम लोग ये बात कर रहे थे कि नटू, हमने एक फीचर फिल्म बनाई है और उसका जो मेन लीड है ना, उसका डबिंग बाकी है, और फिल्म तो रिलीज पे है, पर बेचारे को गले का ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो वो अब डबिंग नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आवाज और वो मेन लीड की आवाज काफी हद तक मैच होती है, कि क्यों ना हम नटू से ही डबिंग करवा ले। देखिए आप लोग मुझे घूरिए मत, मैंने तो जो सुना वो बोला, लेकिन आप लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले इन दोनों के बीच में और भी कुछ बात हुई होगी। अच्छा, मैंने और लक्ष्मी ने तो कहा भी था। हाँ। नीलम, तुझे तो मैं देखिए आप बड़ा के बस कर रहे हो। अरे एक मिनट, इससे पहले कि शोरगुल बढ़े मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं लगा इस परिवार में मुझे प्यार या सम्मान नहीं मिला, या ये परिवार मेरा नहीं है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगा, और मेरे घर बसाने की बात सुनकर तुम लोग इसे कबूल करने को तैयार हो गए, इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है? और एक बात और, मैं स्विट्जरलैंड सिर्फ डबिंग करने जा रहा हूं, हनीमून के लिए नहीं। मतलब मेरे जीवन में चाहे कितनी भी सुंदर, मतलब ये तो सुंदर है ही, नोटी। मतलब मेरे जीवन में चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना आए,
मैं अपना कौमार्य व्रत तोड़ने वाला नहीं हूँ। अदा की, अदा की। एक मिनट, एक मिनट। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जिसके पास पहले से इतना प्यारा परिवार हो, वो दूसरे परिवार के बारे में क्यों सोचेगा? I'm very lucky कि आप सबने मुझे इस परिवार का हिस्सा माना, मेरा स्वीकार किया। मैं भी मानती हूँ अपने आप को इस प्यारे से परिवार का हिस्सा। पर हाँ, इस परिवार की बहू के तौर पे नहीं, नट्टू की दोस्त के तौर पे मैं आप सबको स्वीकार हूँ ना। हाँ।